बिलासपुर जिला मुख्यालय पर स्थित क्षेत्रीय अस्पताल के परिसर में बने बिजली के ट्रांसफार्मर में शुक्रवार को अचानक आग लग गई। बता दें कि दिन के समय ये अचानक आग लगी थी, जिससे बिलासपुर अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल मच गया। आग के बीच बड़े बड़े धमाके सुनकर लोगों का ट्रांसफार्मर के पास एकत्रित होना शुरू हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही विद्युत विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां मौजूद सिक्योरिटी टीम के साथ मिलकर आग को बुझाया। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के प्रभारी सुभाष चंद्र मिश्रा भी मौके पर पहुंचे। अचानक हुई इस घटना से अस्पताल में बिजली गुल हो गई, जिससे जनरेटर के माध्यम से बहाल किया गया। चिकित्सा अधीक्षक राजेश अलुवालिया ने बताया कि अचानक ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसको अस्पताल में तैनात सिक्योरिटी गार्डों ने बुझाकर काबू में पाया। आग लगने के कारण ट्रांसफार्मर पूरी तरह जल चुका है। हॉस्पिटल बिलासपुर में ये ट्रांसफार्मर में अचानक ही आग लग गई थी, लेकिन जो हमारे सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने यहाँ पे जो उपकरण हमारे पास अवेलेबल थे उनसे इन्होंने एकदम फौरन ही मौके पर आके आग को बुझा दिया, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी विभाग से भी और फायर विभाग से भी जो है अधिकारी आ गए हैं मौके पे और वो जांच कर रहे हैं।